शहर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बगल में स्थित अग्रवाल क्लॉथ स्टोर पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। साथ ही समीप में काली माता के मंदिर की दान पेटी भी चोर ले उड़े। इस संबंध में जैसे ही थाना सिटी कोतवाली TI को सूचना मिली तो वह अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम एवं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर मौजूद रही। इस संबंध में थाना प्रभारी का कहना था कि सभी तथ्यों को जुटाया जा रहा है और जल्द से जल्द चोरों का पता लगा लिया जाएगा। वहीं दुकानदार का कहना है कि रात्रि के समय यहां के ताले तोड़े गए हैं, जिसमें लगभग 6 ताले टूटे गए हैं, लगभग 20,000 रुपए की चोरी हुई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस चलती हुई रोड पर चोरों ने हाथ साफ किया हो। आज रात्रि में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास में अग्रवाल क्लॉथ स्टोर और काली माता मंदिर यहाँ के ताले टूटे हुए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पहुँची हुई है और घटना पंजीबद्ध करके चोरों की तलाश कर रही है। और गंभीरता से लिया भी गया है मामले को, डॉग स्क्वाड की टीम भी आई। बिल्कुल पूरी गंभीरता से मामले को लेकर और डॉग स्क्वाड फिंगरप्रिंट इनको बुलाया गया है। हमारे बड़े भाई की यहाँ पर दुकान है अग्रवाल क्लॉथ स्टोर। अभी सुबह सुबह एक लोगों ने सूचना दी कि आपकी दुकान के ताले टूट गए हैं। हम लोगों ने देखा मौके पे तो दुकान के ताले टूटे हुए थे। गल्ला में जो पैसा रखा था उसमें तो पूरा साफ है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऊपर के भी दूसरी मंजिल में उसके भी ताले, मतलब 6 ताले तोड़े उन लोगों ने, चोरों ने। और ये घटना हमारी ख्याल 1 से 3 बजे की है, क्योंकि यहाँ पर चलती रोड है, मेन रोड है और यहाँ पर ऐसी घटनाएँ होती नहीं है, लेकिन ये पहली बार हुआ है इस तरह। हाँ, मंदिर में भी एक पेटी, दान पेटी थी माँ काली देवी मंदिर की, वो भी तोड़ी गई है और वो वहाँ पे काफ़ी दूर जाकर मिली है। उसमें भी जो राशि थी वो भी निकाल लेगा चोर लोग। भाई साहब, अपने यहाँ की लगभग कितने की वो वहाँ की जा रही है? अब ऐसा उसमें गले में 20-25 हज़ार रुपये तो पड़े ही रहते हैं, छोटे नोट। बड़े तो ले आते हम लोग, लेकिन छोटे नोट जो हैं वो उसमें थे। 3-4 गड्डियाँ थी, 2-2 हज़ार की, 1-1 हज़ार की, वो उसमें से पूरा गायब है। मतलब कुल मिलाकर चिल्लर तक भी वो लेगा चोर लोग। पुलिस आई है, जांच कर रही, डॉग भी आया, डॉग ने भी पूरे में भ्रमण किया है और दो तीन जगह CC कैमरे लगे हैं, उनमें भी छानबीन चल रही है और चोर जो भी होंगे वो पकड़े जाएंगे, ये पक्का है। हमें विश्वास है पुलिस पर और वो पकड़ लेंगे।